और ये मंदिर शेखपुरा में इतना फेमस क्यों और ये मंदिर कब बना और कैसा बना इसका बारे में थोड़ा सा कथा आपसे शेयर करना चाहूँगा। पुराना कथाओं के अनुसार जब माता सती को प्रेम हुआ था महादेव से। फिलहाल मैं हूँ अगरतला विश्रामगंज और हम आज जाएंगे मातावाड़ी, और पीछे पे हमारा मैं अभी ससुराल पे हूँ, और ये मेरा संबंधी का छोटा बेटा, और पीछे इनका क्वार्टर है और नज़दीक है रेलवे स्टेशन। फिलहाल हम गाड़ी का इंतज़ार कर रहे हैं, गाड़ी आएंगे उसके बाद जाएंगे। नेक्स्ट भी है यहाँ से नज़दीक है मातावाड़ी, बरसों से इंतज़ार कर रहा था जाने के लिए पर जा नहीं पा रहा था, और आज ये सपना पूरा होगा। और फिलहाल हमारा गाड़ी आ गया और हम अभी जाएंगे यहाँ से नेक्स्ट वे मातावाड़ी, बहुत जल्द पहुँच जाएंगे और पूरा फैमिली आ चुका है। हम आज जिस मंदिर में जा रहे हैं इस मंदिर का दो नामों से जाना जाता है, एक नाम है जो मातावाड़ी और दूसरा है त्रिपुरी सुंदरी। ये त्रिपुरा में है और त्रिपुरा उदयपुर में है और काफ़ी फेमस मंदिर है त्रिपुरा में। यह मंदिर कभी भी आप त्रिपुरा में आओगे तो ये मंदिर में ज़रूर घूम के जाइए। मेरा पहली बार यात्रा है और मैं पहली बार जा रहा हूँ, मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है कि मेरा नसीब साथ दिया और मैं जा रहा हूँ, मैं और मेरा पूरा फैमिली, यानी कि मैं अभी फिलहाल ससुराल में हूँ और पूरा ससुराल का सभी फैमिली हम जा रहे हैं इस यात्रा करने के लिए। वो लोग तो काफ़ी बार जा चुके पर मुझे लेके जा रहे हैं इस बार घुमाने के लिए, मैं पहली बार जा रहा हूँ। और ये मंदिर शेखपुरा में इतना फेमस क्यों और ये मंदिर कब बना और कैसा बना इसका बारे में थोड़ा सा कथा आपसे शेयर करना चाहूँगा। पुराना कथाओं के अनुसार जब माता सती को प्रेम हुआ था महादेव से, पर सती का जो पिता यानी कि प्रजापति दक्ष, उनको बिल्कुल पसंद नहीं था महादेव, फिर भी माता ने प्रेम किया था महादेव से और महादेव से प्रेम विवाह भी किया था, और विवाह के बाद फिर भी उनको प्रजापति दक्ष को बिल्कुल पसंद नहीं था महादेव। इसीलिए महादेव को अपमान करने के लिए जानबूझ के प्रजापति दक्ष ने बृहस्पति सर्वनायक एक बड़ा सा योग रखा गया था जिसमें सभी देवी देवताओं को बुलाया गया था सिवाय महादेव और उनका पत्नी सती को नहीं बुलाया गया था। देवी सती को जब इस बात की अनुभूति हुई तो अपना पिता का घर जाना चाहता था, पर महादेव ने काफ़ी बार मना किया, मना करने के बावजूद भी माता अपना घर गए और जाके प्रजापति दक्ष से पूछे कि आपने मेरा पति यानी कि महादेव को क्यों नहीं बुलाया है, इतना बड़ा यज्ञ हो रहा है सभी देवी देवताओं को बुलाया, आपने मेरा पति को क्यों नहीं बुलाया। उसी टाइम पूरा बड़ा सभा में उन्होंने काफ़ी अपमान किया महादेव का, और इतना ज़्यादा अपमान किया है कि माता ने सह नहीं पाया और माता ने अपने आप को यहीं पे समर्पित कर दिया आग में। और महादेव को जब इस बारे में अनुभूति हुई तो महादेव क्रोधित हो उठे और महादेव ने क्रोधित में सती का पिता यानी कि प्रजापति दक्ष के गला सर से अलग कर दिया, और उसका बाद सती का जो देह था उनको लेके पूरा पृथ्वी में तांडव मचाने शुरू कर दिया महादेव ने। और उसी तांडव को देखते हुए सभी देवी देवताओं ने नारायण का पास विनती किया, कुछ उपाय निकालिए आप। फिर नारायण ने अपने सुदर्शन चक्र से सती का जो बॉडी है वो अलग अलग कर दिया, उसी में से शक्तिपीठ 51 शक्तिपीठ हुआ है टोटल, उसी में से 42 शक्तिपीठ हमारे देश यानी कि भारत में है, बाकी बचा हुआ पीठ नेपाल श्रीलंका बांग्लादेश पाकिस्तान कहीं अन्य जगहों में है, और उसी में से एक पार्ट यहाँ पे भी गिरा है त्रिपुरा। और कहा यह भी जाता है कि माँ का जो दाहिना पैर है सती का वो यहाँ पे गिरा, और इसीलिए मंदिर इतना फेमस है और इसीलिए इसी मंदिर का नाम मातावाड़ी कहा जाता है। और आपने 51 शक्तिपीठों में से आपने कौन सा कौन सा शक्तिपीठ दर्शन दिया कमेंट में जरूर बताना। मेरा ये दूसरा शक्तिपीठ है, मैं उससे पहले गुवाहाटी यानी कि आसाम में जो कामाख्या मंदिर में वापी भी गया था, और ये मेरा दूसरा है जो मैं आया हूँ अगरतला त्रिपुरा मातावाड़ी में। और अगर नसीब साथ दिया तो माँ का शक्तिपीठ और जहाँ गिरा है मतलब जाने की जरूर कोशिश करना।
এয়ারপোর্টে কারা যেতেছি আর কি খাওয়া হয়েছিল না গাড়ি ছুটি নাকি আনছে গাড়ির সময়।